अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं कोरमा। और कोरमा हम कैसे बनाते हैं यह हम आपको दिखाते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ पे हमने पहले प्याज फ्राई कर ली है, फ्राई करके हमने निकाल ली है। तो अब हम यहाँ डालते हैं खड़े गरम मसाले। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं तेज पत्ते, हम डाल रहे हैं, और दो हमने लिए है दालचीनी का टुकड़ा, वो हमने डाल दिया, और दो हमने लिए हैं बादियान के फूल, वो भी हमने डाल दिए। और यहाँ पे हमने लिए काली मिर्चें, बड़ी इलायची और लौंगे। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें डाल दी हैं। अब हम डालते हैं गोश्त, 1 kg गोश्त है। तो यहाँ पे जो गोश्त है ना, वो छीटे मार रहा था, तो इसलिए हम इसको कुछ देर लिए हमने बंद कर दिया। थोड़ा सा ही शांत होगा तो फिर हम इसको खोलेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं चिकन कोरमा, बीफ कोरमा। बीफ कोरमा बना रहे हैं, वो भी देगी कोरमा। चलिए जी, टेस्ट करते हैं इसको। हम अच्छी तरह जो है मिक्स कर दें। इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे गोश्त को, हड्डी वाला गोश्त है, क्योंकि कोरमा के अंदर अगर हड्डियाँ ना हो तो कोरमा अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ी बहुत हड्डियाँ तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको देखें, पानी से छोड़ दिया है गोश्त में। तो ये आप देख सकते हैं, देखें पानी, तो पानी छोड़ दिया है। तो अभी हम उसको इसमें 1 मिनट तक भूनेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बड़ी इलायची और ये है जायफल और ये जावित्री। तो ये दोनों चीज़ें हमने ले ली हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें। चलिए, और 1 चम्मच हमने लिया है जीरा। तो इन चारों चीज़ों को जो हम ब्लेंडर कर लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो जी बस ये आप देख सकते हैं, देखें दरदरा सा हमने जो है इसको पीस लिया है, और ये दरदरा सा पीस लिया है। उसको जो है हम भर देते हैं साइड में। यहाँ पर जो है गोश्त, ये भी हमारी जो है भून चुका है, नीचे भूनने तक जल्दी हो चुका है। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम जो ऐड करेंगे वो है लहसुन अदरक का पेस्ट। देखें, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 चमचे भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। देखें, 2 से 2.5 चमचे दे दें, ये 2.5 चमचे जो हो गए लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको भी हमने जो अच्छे से इसको डाल के भून लेते हैं। थोड़ा चूल्हे की जो आँच है हम तेज कर लेते हैं, ताकि ये अच्छे से भून जाए। तो चलो जी, यहाँ पे अब हम ऐड करते हैं मसाले। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 1/2 टीस्पून हम लेंगे हल्दी। ये हमने डाल दी हल्दी, और 1/2 टीस्पून ही हम यहाँ लेंगे किसी भी लाल मिर्च, क्योंकि हम यहाँ पे जो है डब्बे का मसाला भी ऐड करेंगे, तो इस वजह से हमने ये मसाला कम डाला है। और 1/2 टीस्पून हम यहाँ लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी हमने ऐड कर दिए। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने लिया है धनिया पिसा हुआ, तो ये भी हमने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखें, शान का हम मसाला ऐड कर रहे हैं यहाँ पे डब्बे वाला, ताकि इसके अंदर जो खुशबू फ्लेवर है वो भी आ जाए। देखें, 1 चम्मच और ये 2 चम्मच हमने ऐड कर दिए हैं। पहले हमने आपको घर का बना के दिखाया था, घर के मसालों से, तो आज हम आपको मिक्स मसालों से बना के दिखा रहे हैं। इसको यहाँ पे अच्छे से हम चलाएँगे, अच्छे से भून लेंगे मसाले डाल के। तो यहाँ पे मसाले डाल के हम कर लेंगे भुनाई। तीन से 5 मिनट तक हमें इसको भुनाई करनी है। इसको अच्छे से भून जाएगा तो फिर हम जो है उसका पानी ऐड करेंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरमे की जो है हमने गोश्त की कोरमा तैयार हुई है। गोश्त की हमने जो है 5 मिनट तक अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई कर दी है। और यहाँ पे हमने नमक तेज नहीं किया था, नमक वगैरह सब डालेंगे। लेकिन हमने लिया यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से नमक, आप जितना नमक खाते हैं उतना दे सकते हैं। टेस्ट और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और अगर आप मेरे चैनल से नए हैं तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे हर आने वाले मेरे को भी आपको पसंद कर सकें। तो अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे,
और पानी हम जो है नीम गर्म ले रहे हैं, क्योंकि हम ये सेवी के लिए तैयार कर रहे हैं कौरमा, ताकि जल्दी तैयार हो जाए। बहुत पानी डल के थोड़ा शांत हो गया। यहाँ पे हमने डाल दिया है पानी, नीम गर्म पानी हमने डाला है, और यहाँ पर अब हम कर देंगे इसको कवर। इसको कम से कम इसको लगेंगे आधा घंटा इसको लगेगा गलने में, क्योंकि हम हल्की आँच पे इसको पकाएंगे। अब हम आँच कर देते हैं हल्की, ताकि ये 30 मिनट में यानी कि आराम से पक जाए हल्की आँच में। तो मिलते हैं 30 मिनट बाद। चले जी, अब हम चेक करते हैं। यहाँ पे हो चुके हैं पूरे 30 मिनट से ऊपर, मतलब 30 मिनट आधा घंटे हमने जो है खोल के देखा था, थोड़ा सा पानी इसमें था, तो आधे घंटे फिर हमने 10 मिनट के लिए हमने और छोड़ दिया। तो अब 10 मिनट बाद फिर हमने, क्योंकि इसमें ये गोश्त जो है गला नहीं था, गोश्त गला नहीं था, तो हमने आधे घंटे बाद जो है हमने देखा था तो गोश्त गला नहीं था, तो फिर हमने आधा कप पानी डाल के फिर इसको 10 मिनट के लिए और रख दिया। तो अभी देखिए आप, पानी जो है ड्राई नहीं हुआ, पानी इसमें बाकी है, और गोश्त जो है जो बाकी बकिया जो उसमें जो गलने की जो कसर है वो हम दही डालेंगे तो तब हो जाएगा। तो हम डालते हैं दही, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं दही। तो चले जी, यहाँ पे हम दही ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है दही, दही हमारा है 300 ग्राम, 300 ग्राम हमने दही डाल दिया इसमें, और इसको जो है बीच में ही पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें अच्छी तरह ये हो गया है मिक्स। और दही जब भी डालें चूल्हे की जो है आँच हल्की करके ही डालें। तो अब हम इसे जो है मिक्स करेंगे अच्छी तरह। दही जब भी डालें चूल्हे की आँच हल्की कर दें, अगर आप तेज़ आँच के दही डालेंगे तो दही जो फट जाएगा सालन में जाके। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने डाल दिया दही, और यहीं पे जो है हम डाल देते हैं प्याज, जो हमने पहले ही ग्राइंडर करके उसको पीस के रख लिया था। आप अगर चाहें तो आप जो है प्याज को क्रश करके भी डाल सकते हैं हाथ से। तो हमने यहाँ पर प्याज को दरदरा पीसा था, ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं किया। तो यहाँ पे इसको अब हम कर देते हैं कवर, दोनों चीज़ें हमने डाल दी हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट से इसको कवर करते हैं, जब तक ये भुनाई पे नहीं आ जाता। तो चले जी, बस यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट बाद हम चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह भुनाई पे आ गया है सालन, और ये देखें ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है। तो अभी हम मज़ीद और भून लेते हैं, और जो हमने मसाला पीस के रखा था, तो जो मसाला हमने पीस के रखा था वो मसाला हम ऐड कर रहे हैं। तो देखें ये इतना है, तो हम ये पूरा नहीं डालेंगे, हम ये डालेंगे हाफ चम्मच ही डालेंगे खुशबू के लिए। और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ये केवड़ा, अगर आपके पास एसेंस है तो आप एसेंस भी डाल सकते हैं। ये हमने केवड़ा डाल दिया, केवड़ा भी आप ज़्यादा ना डालें क्योंकि कड़वा होने का डर होता है फिर। और तो जो मसाला हमने पीसा है ये भी आप आधा ही डालें, अगर गोश्त की क्वान्टिटी ज़्यादा है 2 किलो के करीब तो फिर आप ये पूरा डाल दें। तो हमारे गोश्त की क्वान्टिटी जो है 1 किलो थी, 1 kg, तो इसलिए हमने हाफ डाल दिया। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे बुनाई, इसका बुनाई का टाइम है। तो जी बस आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कर रहे हैं बुनाई। यहाँ पे हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं गोश्त की बुनाई करते हुए, और देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा मसाले का जो है दाना बना है यहाँ पर। ये देखें मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें कितना अच्छा दाना सा बना है कौरमे का, और दानेदार कौरमा बन के ये हो रहा है तैयार। बस थोड़ा सी ही टाइम लगेगा इसको पकने में, इसको हम करेंगे 5 मिनट तक बुनाई अच्छी तरह। तो ये आप देख सकते हैं ऑयल छोड़ दिया है कौरमे में हमारे, ये देखें अच्छा खासा कौरमा है माशाल्लाह तैयार हो रहा है। और 5 मिनट हो गए हमें इसको बुनाई करते हुए। अब हमने जितनी लगेर इसके अंदर रखना है, यानी कि बिल्कुल खुशक हम नहीं रखेंगे, तो हल्का सा हम इसमें लगेर करेंगे। ये देखें, देखें 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच, यानी कि हमने 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है पानी, ताकि थोड़ा सरसरा सा रहे कौरमा। माशाल्लाह, अब हम इसको बंद कर देंगे, कवर कर देंगे, और इसका ऊपर आना शुरू हो गया है। 5 मिनट हम इसको पकाएंगे हल्की आंच पे, 5 मिनट बाद फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो चलें बस यहाँ 5 मिनट हो गए, 5 मिनट बाद अब देखते हैं हम। तो ये देखें आप, रोगन जो है सारा एक साइड पे आ चुका है, और कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं गर्म मसाला खुशबू के लिए, और इसको यहाँ कर देंगे अच्छे से मिक्स। बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैंने आपको कौरमा बनाना सिखाया है,
कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आसानी से जो आप कौरमा घर में बना के अपनी फैमिली को खुश कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सहरी के लिए सालन तैयार, कौरमा तैयार, और बस हम मिलते हैं आपसे फिर डिश आउट करके। तो जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह मज़ेदार सा कौरमा, दानेदार कौरमा देखें बन के हो गया है तैयार, और बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है ये, ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है कौरमा बनाने में, वरना आजकल के जो वो हैं लोग, उन्होंने जो है कौरमे को बहुत ही मुश्किल रेसिपी बना रखा है। कौरमा बनाना बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको कौरमा बनाना सिखाया है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें, और अपना कमेंट्स लाजमी क्या करें कमेंट्स कर, आपके कमेंट्स पढ़ने से मुझे जो है खुशी मिलती है, मेरा हौसला अफजाई बढ़ती है। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स लाजमी क्या करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें। तो हिना की रेसिपी कैसी लगी, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। Oh, oh, oh.